तो पहले लेते थे 100 रुपए तो 2 दिन चलता था, अब 60 रुपए लेते थे 1 दिन चलता है। कमाते हैं तो आधा पैसा इन्हें देते हैं, आधा घर में नहीं हो जाए, आधो नहीं जाता है, देता है। हम लोग के कर्ज नहीं सकता है सर। मोदी जी के फिर एक बार जितवा देंगे कि बिहार और भारत के सबको कंगाल बना देंगे। तो मोदी जी आए तो कहाँ कम किए, कहाँ कम कर दिए, महीना के कम से कम 3-4 हजार रुपया ज्यादा खा रहा है। तो आप 4 हजार जो आपका बचता हो तो खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया। मोदी जी अब सब चीज कम करेंगे। तो खुश है सरकार से आप? बहुत खुश है, सही में खुश है, मजाक कर रहे हैं। एकदम खुश है, एकदम खुश है। ये पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर आए हम तो सोचे कि इन लोगों से पूछते हैं कि इनका क्या हाल है। जब सरकारें ये कहती हैं कि पेट्रोल का दाम हम आएंगे तो कम कर देंगे तो आम जन में ये विश्वास पैदा होता है कि पेट्रोल का दाम कम होगा। और अभी पंकज जाइए स्क्रीन पर दिखाइए, पेट्रोल का दाम हो गया है 116 रुपया 23 पैसा। ये पटना है और पटना का कंकड़बाग है। और जब आप ये सब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार के और पूरे भारत के लोगों की क्या स्थिति है। पेट्रोल पंप पर खड़े होकर वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है ताकि आप तक ये बातें पहुंच सके कि असल में मिडिल क्लास लोग कितना परेशान है। हमको एक चचा दिखे हैं, चचा से बात करेंगे। कितना का तेल मिल रहा है जी? 300 का सर, 300 का। बड़ा तकलीफ में होगा, बहुत महंगा हो गया। तो तकलीफ नहीं है, जहाँ कमाते थे 1000 रुपया 800 रुपया तक 300-400 तेल लग जाता है। सर मोदी जी बोले थे कि आएंगे तो पेट्रोल दाम कम कर देंगे। हाँ तो मोदी जी आए तो कहाँ कम किए, कहाँ कम कर दिए। ये तो 500 नहीं बचता, 300-400 में बाल बचा होगा, आधा तेल में आधा पेट में आधा तेल। महीने का कितना प्रेशर बढ़ गया है, महीने एक और रुपया बेसी लग रहा है। महीना के कम से कम 3-4 हजार रुपया ज्यादा खा रहा है। तो आप 4 हजार जो आपका बचता हो तो खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया, खत्म हो गया सर। सरकार को आप लोग का चिंता नहीं है? अब चिंता नहीं है तब क्या कर सकते, गरीब लड़ाई करे हम लोग, हम लड़ाई करे, हम तो लड़ाई नहीं कर सकते है। काजी बहुत कष्ट है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सब आदमी के कष्ट है, कष्ट है। दे रहा था क्या कर सकते हैं? अब हम ठेला रिक्शा वाला क्या कर सकते हैं, लड़ाई करें हम पंप वाला। नेता लोग कहता है कि हम लोग पूरा मतलब जो पेट्रोल का दाम हुआ, सब्जी भाजी का दाम हुआ, ये सब कम करेंगे तो लोग को फायदा होगा। अच्छा। मजदूर लोग को फायदा होगा, तो आप लोग को फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, उठे वो खा जाता है। बोले फायदा हुआ से तो देख ही रहे, फायदा है। यहाँ 80 रुपए जलाते थे, वहाँ 116-117 हो गया, हुआ कि नहीं, दोबर हो गया, दोबर हुआ कि नहीं। मतलब कड़वा तेल हो रहा था 60-70 रुपया 80 रुपया, वो हो गया 150 रुपया, तो क्या खाएगा, घर चल पा रहा है? कहाँ से चलेगा, कमाते हैं तो आधा पैसा इन्हें देते हैं, आधा घर में नहीं हो जाए, आधो नहीं जाता है, हम लोग के कर्ज नहीं सकता है सर। चलो कर्जा भी नहीं सुन पाता है, नहीं कहाँ से पूरेगा, कहाँ से पूरेगा। कितना कितना रोज की कमाई था आपका पहले का? बहुत, तो 500 कमाते थे तो 200 रुपया तेल रखने खा रहा, 400-300। अब क्या है, अब दोबर खा रहा, दोबर का अंतर है। अब 600 कमाते तो 400 तेल में लग जाता है, 400 में लग जाता है। चलिए ये चचा थे, बाकी ये पेट्रोल पंप है, 116 रुपया 23 पैसा जो दाम था आपने आपको दिखाया। आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे सरकारों ने लोगों को लूटा है। ए चचा बहुत तेल का दाम बढ़ गया है, तकलीफ में है कि नहीं है? तकलीफ में जरूर है। तो कस के बोली ना, तकलीफ में जरूर है। पहले का जितना तेल लगता था तो डबल हो गया होगा? एकदम जस्ट डबल हुआ है, जस्ट डबल हो गया। मोदी जी बोलते आएंगे तो कम करेंगे। हाँ मोदी जी अब सब चीज कम करेंगे, मोदी जी अब सब चीज कम करेंगे। तो खुश है सरकार से आप? बहुत खुश है, सही में खुश है, मजाक कर रहे हैं। एकदम खुश है, एकदम खुश है। तेल का दाम बढ़ा था, तकलीफ में नहीं है? तकलीफ में तो है, तो क्या करे, खुश रहना पड़ेगा ना, खुश रहना पड़ेगा। हर चीज दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ा हुआ है, तेल का दाम बढ़ा हुआ है, जनता पूरा खुश है, खुश है। मोदी जी अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन तो बहुत बढ़िया से आ गए, यही है अच्छे दिन, अच्छे दिन यही है। हाँ यही अच्छे दिन। 100 रुपए का तेल डलवाया जी? 100 रुपए का पहले डलवाते थे 100 रुपया, अब 60 रुपया का डलवाते हैं। पहले 100 रुपए डलवाए थे, अब 60 का डलवा रहे हैं, क्या करते हैं आप? पर डे अब लेते हैं तेल 60 रुपए का। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। किस चीज का? डिस्पोजेबल आइटम का। तो पहले 100 का लेते थे, अब 60 का ले रहे हैं। 60 का ले, इतना मतलब अच्छे दिन आ गए आपके। पेट्रोल से ही सिर्फ नहीं ना होगा, और सभी आइटम सभी का तो दाम बढ़ा हुआ, उस पर भी तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो पहले लेते थे 100 रुपए तो 2 दिन चलता था, अब 60 रुपए लेते थे 1 दिन चलता है। पहले 100 रुपए लेते थे 2 दिन चलता था, अब 60 का लेते हैं तो 1 दिन चलता है। तो बहुत अच्छा दिन हो गया, बहुत अच्छा दिन आ गया। तो मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं आप? मोदी जी के फिर एक बार जितवा देंगे कि बिहार और भारत के सबको कंगाल बना देंगे। अरे मोदी जी को फिर से जितवाएंगे आएंगे, इसलिए फिर से भारत को पूरा कंगाल बनवा दे। नीतीश जी, नीतीश जी तो उनके पीछे रहेंगे बस, जैसे जैसे बोलेंगे वो सत्ता के लोभ में बने रहेंगे। ये अच्छा दिन बिहार का भी है, भारत का भी है। चलिए ये चचा थे,
पहले 60 रुपए का तेल डलवाते थे, पहले 100 रुपए का डलवाते थे तो 2 दिन चलता था, अब 60 का चलवाते हैं तो 1 दिन चलता है। फिर चाचा ने ये भी कहा कि मोदी जी को पूरा फिर जितवाएंगे ताकि पूरा भारत कंगाल हो जाए। ये कंकड़बाग का एक पेट्रोल पंप है जहां हम आए थे लोगों से ये जानने के लिए कि यहां की क्या स्थिति है। आप भी समझिए कि महंगाई से किस तरीके से लोग त्रस्त हैं। जहां एक तरफ तेल 80 रुपया हुआ करता था आज से 1 साल पहले की बात है, वहीं आज तेल 116 रुपया 23 पैसा हो गया है। और 116 रुपया 23 पैसा का हश्र ये है कि लोग बहुत परेशान हैं और रोज लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। हालांकि एक सच ये भी है कि कुछ दिनों से स्थिर है। आपने उस चाचा को सुना जो चाचा ने कहा कि पहले 600 कमाते थे तो 400 बचता था, अब 600 कमाते हैं तो 400 का पेट्रोल लगता है और 200 बचता है। एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि पहले 100 रुपए का तेल डलवाते थे 2 दिन चलता था, अब 60 का डलवा रहे हैं तो 1 दिन चल रहा है, वो भी नहीं डलवाने का भी नौबत आ सकता है। नीतीश जी पर उन्होंने कहा कि सत्ता के लोग में वो कुछ भी कर सकते हैं। और पेट्रोल और डीजल के दामों का स्थिति ये है कि यहां के लोग इतने परेशान हैं जिसका कोई भी कहा नहीं जा सकता उनके बारे में कुछ भी। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।